गुड इवनिंग एवरी वन, हेलो आदाब सत श्री अकाल, होप सो यू ऑल फिट एंड फाइन ड्यूरिंग दिस कोरोना टाइम। चलिए आज का मेरा जो वीडियो है, ये इस वीडियो का टाइटल है डोंट स्टॉप अंटिल यू प्रूव्ड। एक ऐसा टाइम आ चुका है अभी हमारे सामने कि अब लगभग एक अंतिम क्षण, हम एक लास्ट स्टेज पहुंच चुके हैं हमारे अपने सेशन की। कोविड के कारण इस साल हमें बहुत प्रॉब्लम आई, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई, और सबसे ज़्यादा जो सफ़र किया स्टूडेंट ने इस कोविड की वजह से। सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट कोविड का पड़ा वो हमारे एजुकेशन सेक्टर पे पड़ा। इसका बेस्ट एग्जांपल क्यों पड़ा, इसका पीछे मैं अपने स्टेटमेंट को क्लियर करने के लिए बोलूँगा कि आज के इस टाइम पे लॉकडाउन के बाद सब कुछ ओपन हो चुका है, सिर्फ स्कूल्स कॉलेजेस आज तक ओपन नहीं हुए। दैट्स वाई मैं कह रहा हूँ कि कोविड का सबसे बड़ा इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ा, हमारे एजुकेशन सेक्टर के ऊपर पड़ा। बट फिर भी हमारे टीचर्स, हमारे स्टूडेंट्स ने गिव अप नहीं किया है और उन्होंने अभी तक ये आस नहीं छोड़ी और किसी भी तरह की अपनी पढ़ाई में डिलाई नहीं की है। आज भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, नेटवर्क नहीं है, जेएनके में प्रॉब्लम आ रही है, फिर भी बच्चों ने कहीं ना कहीं किसी न किसी सोर्स से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करा है। इसीलिए कह रहा हूँ कि स्टूडेंट्स ने अभी तक गिव अप नहीं किया और ना ही टीचर्स ने गिव किया। टीचर्स लगातार अपने टेस्ट, अपना सिलेबस कवर कर रहे हैं, ठीक है, रूटीन वाइज सिलेबस भेज रहे हैं बाय यूजिंग देयर ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लासेस लेकर, व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग कर रहे, किसी भी तरीके से, मतलब ऑल आर डूइंग द वेरी बेस्ट और स्टूडेंट्स भी गेन कर रहे हैं। बट द पॉइंट इज दैट कि अब सिलेबस कवर करना या लेक्चर्स अटेंड करना सब कुछ नहीं रहा, अब टाइम चेंज हो चुका है। अब बात आ गई है एग्जाम्स की, क्योंकि जेएनके बोर्ड हो गया, सीबीएसई बोर्ड हो गया, सब ने ये बात क्लियर कर दी है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स नहीं होंगे, एग्ज़ाम्स होंगे तो ऑफलाइन ही होंगे और वो भी फैब मंथ में होने जा रहे हैं। तो उसी लिहाज से देखें तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 महीने से भी कम टाइम रह गया है। तो स्टूडेंट्स, अब एक टाइम आ चुका है कि हमें फोकस करना है कि हम कहाँ पर हैं, अपना गोल सामने रखना है। जो गोल हम सोच के चल रहे थे कि हमने 12th में इतना अचीव करना, हमें 11th में इतना अचीव करना, हमें 10th क्लास में इतना अचीव करना है, जो भी स्टूडेंट जिस भी लेवल पे इस वीडियो को सुन रहा है उसका जो गोल था स्टार्टिंग में, उसको कभी ड्रीम था उसका कि मुझे क्लास में, सबसे ज़्यादा ड्रीम बच्चों के 12th क्लास को लेकर होते हैं कि मुझे 12th क्लास में इतना परसेंट लेकर आना है, जहाँ 10th गोल रहता है 10th मुझे इतना परसेंट लेकर आना है। चाहे 11th में जो बच्चों ने नया स्ट्रीम चूज किया उनको लगता है कि मुझे इस 11th में इस स्ट्रीम में अच्छा करना है, जो मैं 10th तक नहीं कर पाया मुझे स्ट्रीम को नया स्ट्रीम पिक कर इतना अच्छा परसेंट लेके आना है, उन सबका एक गोल है, वो गोल सामने लेकर आओ। वो गोल आगे पीछे हो गया कहीं, उस गोल को सामने लेके आओ, ये इस टाइम का डिमांड है। सबसे पहले इस गोल को लेकर आइए। सबसे पहले मेन इसमें है कि आपका जो गोल है वो सामने लेकर आइए। अब गोल का मेरा मतलब परसेंटेज से नहीं है, पहले भी क्लियर कर कि मुझे इतना परसेंट डालना, वो मेरा गोल नहीं है। गोल आपका ड्रीम था कि भाई आपको इतना टारगेट अचीव करना था, मार्क्स लेके आना है ताकि इस मार्क्स से आप आगे बढ़ पाएं। मैं बात करूँ स्पेशली 12th क्लास के स्टूडेंट की या 10th क्लास के स्टूडेंट की, जिसने ड्रीम रखा था कि अगर उसका 90% आएगा तो उसको साइंस सब्जेक्ट मिल लेगा, जब वो साइंस में के लिए जाएगा उसका 85 आएगा तो वो कॉमर्स लेने के लिए जाएगा, वो स्कूल में एडमिशन लेगा, वो इस कॉलेज में एडमिशन लेगा, वो आरएसपी से बाहर जाएगा, वो स्टेट से बाहर जाएगा, वो इस कॉलेज में जाएगा, सोचा उसने 12th में परसेंटेज आएगा, वो है आपका ड्रीम, वो है आपका गोल इस टाइम पे। उस गोल को वापिस अपने माइंड के अंदर लेकर आइए, वो गोल वापिस लेकर आइए। और जिन बच्चों ने गोल सेट नहीं किया तो सेट करिए आप, क्योंकि अब वो टाइम आ चुका है कि जब हमें अपने गोल को अचीव करना है। इंडिया टीम जो विराट कोहली है वो इतना बड़ा प्लेयर कैसे बना, उसकी क्वालिटी है, उसमें क्वालिटी क्या थी कि वो जब भी किसी चेज टारगेट को चेज करने जाता है तो उसका एवरेज स्कोर बनाने का जो उसका सिस्टम है, जो स्कोर बनाने का उनका मतलब स्कोर जो डिफेंड करने में उनका जो एवरेज है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जब वो फील्डिंग फर्स्ट कर रहा था। क्यों? विराट को लगता है कि अगर मेरे सामने टारगेट हो तो मैं उसको अचीव करने के लिए ज़्यादा बेटर कर सकता हूँ। मैंने एक विराट कोहली एग्जाम्पल क्यों दी, क्योंकि बहुत से लोगों को विराट कोहली एज अ फेवरेट प्लेयर भी लगता है और हम सब लोगों में से मोस्ट लोग क्रिकेट को पसंद भी करते हैं। दूसरी बात, अब बात करते हैं कि प्रॉब्लम है, और सबसे प्रॉब्लम है इस टाइम पे हमारा मोबाइल। अब कई बच्चे बोलेंगे सर नहीं, आज की डेट में आप ये नहीं बोल सकते कि मोबाइल प्रॉब्लम है, क्योंकि आप जैसे टीचर्स तो बोलते हैं फोन का यूज करिए और आज आप मोबाइल के बोल रहे हैं। नहीं, मैं आज भी ये बोलूंगा कि मोबाइल आज भी एक प्रॉब्लम है। क्यों?
प्रॉब्लम ये नहीं है कि मोबाइल का यूज़ गलत हो रहा, नहीं, प्रॉब्लम ये है कि हम मोबाइल का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे। मोबाइल हमें घर वालों ने इसीलिए दिया था कि हम ऑनलाइन क्लासेस पढ़ सकें, अपना ऑनलाइन वर्क कर सकें, इसलिए नहीं दिया था कि हम घंटों व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, स्नैपचैट में टाइम वेस्ट कर सकें। जब व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल के सीन करेंगे कितने लोगों ने मैसेज हमारा सीन किया है, इसलिए व्हाट्सएप, इसलिए मोबाइल नहीं दिया गया था। या इंस्टाग्राम पे स्टोरी चढ़ा के देखना कि कितना व्यू आए, ये देखने के लिए नहीं दिया था। जिस चीज के लिए दिया गया था वो चीज नहीं कर पा रहे जो मोबाइल हमें दिया गया था। आज भी हम उस मोबाइल का वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मोबाइल आज भी एक प्रॉब्लम है। ये सिर्फ 11, 12 की बात नहीं है, जो स्टूडेंट्स कॉलेज लेवल पे पढ़ रहे हैं उनके लिए भी आज एक मोबाइल प्रॉब्लम बन चुका है। ऑनलाइन क्लासेस एक माइंड, एक मैंने एक दिन पहले भी एक वीडियो में डाला है, ऑनलाइन क्लासेस क्या है उसका मैंने कंसेप्ट क्लियर किया मैंने, लेकिन उस ऑनलाइन क्लासेस को गलत कंसेप्ट ले गए। मैं आज किसी स्टूडेंट को ब्लेम करने नहीं आया हूं उस वीडियो में, मैं आपकी इनर फीलिंग को जगाने आया हूं। मैं चाहता हूं कि आप खुद समझें, किसी के कहने पर मत जाएं। आपके पेरेंट्स आपको बात नहीं बोले, फ्रेंड्स टीचर्स की बात ना, किसी की बात नहीं सुननी आज आपने। आज खुद सोचो कि क्या जो ये वर्ड्स मैं बोल रहा हूँ, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ, क्या ये मोबाइल आपकी सिस्टम प्रॉब्लम है या नहीं है। आप ये सोचो कि ऑनलाइन क्लासेस 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे, क्या आप उसके अलावा उस मोबाइल को यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्या आप डेली व्हाट्सअप स्टेटस लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं। क्या आप इंस्टाग्राम पर डेली जा रहे हैं नहीं जा रहे। क्या आप टाइमलाइन फेसबुक की टाइमलाइन देखने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट आंसर होगा यस। और कई जो वीडियोस को सुन रहे होंगे या वीडियो देख रहे होंगे उसका उन्हीं के मन में आ जाएगा यस, आंसर आ जाएगा। कई लोगों को उसी टाइम आंसर आ जाएगा, और जिन लोगों के आंसर आ गया मैं मानता हूं कि वो लोग सही हैं, क्योंकि वो अपनी गलती को मानते हैं, और जो इंसान अपनी गलती को मानता है वो सबसे बड़ा अच्छा इंसान। तो मेन कॉज बता दिया मैंने आपको कि प्रॉब्लम क्या है, आपका मोबाइल। रूट कॉज, अगर आपको किसी चीज का कॉज पता चल जाए और रूट कॉज पता चल जाए तो हम उस प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। हम उसको रीजन पता चल गया कि वो प्रॉब्लम क्यों आ रही प्रॉब्लम, उसका प्रॉब्लम मीनिंग पता चल गया। अब मैं उस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकता हूं क्योंकि मुझे उसका प्रॉब्लम पता है मुझे। अब सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन ये है कि हमें अपना इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। हमें वही मोटिवेशन के साथ वापस आना पड़ेगा कि भाई अब हमें सब कुछ छोड़ दीजिए, कोविड का जो है इम्पैक्ट कम हो गया है, हमारी ट्यूशन सेंटर्स ओपन हो चुके हैं, कोचिंग सेंटर ओपन है, हम तैयारी कर रहे हैं, हमें तैयारी वापस लेकर आना, इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा। ये जो इंटरेस्ट लूज हो गया एकदम से चला गया है, क्यों, स्कूल्स बंद होने के कारण स्टूडेंट्स का जो इंटरेस्ट, अच्छे स्टूडेंट्स का भी इंटरेस्ट जो है वो कम हो गया स्टडीज को रिलेटेड। ऊपर से जो थोड़े से गवर्नमेंट ने भी लीनियंट कर दिया 60% वाला जो ऑफर देकर, 70% वाला ऑफर देकर गवर्नमेंट ने थोड़ा सा वो भी लीनियंट कर दिया, इसलिए क्या हुआ कि स्टूडेंट का जो एक इंटरेस्ट लेवल था वो क्या हो गया, कम हो गया। क्यों, जब तक हमें किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होगा तो हम उसको काम करते ही नहीं है। अगर आपको मेरी वीडियो को सुनने का इंटरेस्ट है, कई बार जो स्टार्टिंग वीडियो दिखाएं सर का वीडियो है, डेट्स ऑल, कई को इंटरेस्ट है, देखते हैं वीडियो है क्या, जिनको इंटरेस्ट था वो वीडियो में आगे बढ़े हैं। इंटरेस्ट के कोई काम ही नहीं करते हम, अगर हमें किसी चीज़ में इंटरेस्ट ना हो तो हम वो काम ही नहीं करते। एग्जाम्पल के लिए एक टीवी जब हम सेट टेलीविजन सेट ऑन करते हैं तो बड़ी सारी मूवीज लगी होती हैं, क्या हम सारी मूवीज बराबर देखते हैं, नहीं, हम उनमें से कुछ एक मूवीज देख पाते हैं। क्यों, हम वो मूवी पिक करते हैं हमारा इंटरेस्ट होता है। पंजाब फिल्म इंडस्ट्री में लॉट ऑफ सिंगर्स हैं, क्या आप सभी सिंगर से गाने सुनते हैं, नहीं, आप उन्हीं सिंगर से गाने सुनते हैं जिनके अंदर आपको इंटरेस्ट है। आप क्रिकेट मैच में पूरा मैच नहीं देखते हैं, आप मोस्टली उसी प्लेयर की बैटिंग देखने आते हैं या वो क्रूशियल ओवर देखने आते हैं या T20 मैच देखते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट है, टेस्ट मैच नहीं देखते, आप IPL देखना पसंद करते हैं। तो बात सारी की सारी किस पे है, इंटरेस्ट पे। तो आपको जो इंटरेस्ट लेवल वापस लेके आना है और सोचना कि मेरा इंटरेस्ट कहां पर है, ये इंटरेस्ट वर्ड को पकड़ लीजिए। किसी लेवल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज लेवल पे, 10th में, 11th में, कौन भी क्लास पढ़ रहे हैं, अपना इंटरेस्ट लेवल पकड़ लीजिए कि आपका इंटरेस्ट वापस ले आइए कि भाई मुझे यार पढ़ना है। वो जो इंटरेस्ट है ना, वो बोलना है, जो फीलिंग है ना, वो वापस लेकर आइए, तो काम बनने वाला भाई आपका। अगर इंटरेस्ट वापस आ गया आपका, किसी का इंटरेस्ट वापस आ गया, तो श्योरली आप इस टाइम पे जो पीछे हो गया उसको छोड़ दीजिए, आगे सोचना शुरू कर दीजिए। इंटरेस्ट को, इंटरेस्ट आ गया तो आप आगे बढ़ेंगे, पक्का बढ़ेंगे। बट इंटरेस्ट नहीं है तो वीडियो जीरो बराबर है, इस वीडियो से मिलने वाला मोटिवेशन आपको जीरो हो जाएगा अगर इंटरेस्ट नहीं है, पहले बात क्लियर कर दो। अब बढ़ता हूँ आगे की तरफ। अब रीजन पता चल गया और सॉल्यूशन बता दिया मैंने, एक वर्ड बता दिया सॉल्यूशन का मतलब, इंटरेस्ट बता दिया।
अब पर्पस होना चाहिए, पर्पस इंटरेस्ट वही आ गया कि पर्पस आपका क्या है। अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो चुके हैं, बहुत कंफ्यूजन, कंफ्यूजन लेवल सर आपने इतना कर दिया, कंफ्यूजन है कि पढ़े तो पढ़ें क्या भाई, कहाँ से शुरुआत करें कहाँ से अंत करें, ये तो पता नहीं चल रहा, अभी तो कुछ पढ़ा ही नहीं, 2 महीने 60 दिन रह गए, पढ़ना क्या है। अब कंफ्यूजन के कारण क्या होगा, बुक्स देखते लगेगा, ओह हो छोड़ दो कोई नहीं पढ़ना, एक भी बुक नहीं पढ़नी मुझे, कंफ्यूजन पड़ेगा। जैसे आप बुक की तरफ जाओगे, जो आप इंटरेस्ट मोटिवेशन होके पूरे मोटिवेट होके आप जा रहे हैं पढ़ने के लिए, मुझे बैठना पढ़ने के लिए, बैठ के टेबल पर सेट किया आपने, जैसे भी आप बैठने लगे बुक्स ओपन की, पर जैसे बुक्स खोली और देखा कि यार ये तो बोल रही है मुझे, सारा कन्फ्यूजन हो गया, सब काम खत्म, इंटरेस्ट जीरो हो जाएगा। इसीलिए पहले कन्फ्यूजन का सोल्यूशन निकाल के जाओ, पढ़ने से पहले बैठने से पहले कन्फ्यूजन को दूर करके जाओ, पहले से कन्फ्यूजन क्या है अब ये क्रिएट करो, कन्फ्यूजन क्या है। कन्फ्यूजन नंबर 1, कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करें। कन्फ्यूजन नंबर 2, कितना टाइम बचा भाई, एग्जैक्टली टाइम कितना बचा है। कन्फ्यूजन नंबर 3, घर भी पाऊंगा या नहीं। कन्फ्यूजन नंबर 4, मेरा दोस्त आगे निकल गया मैं पीछे रह गया, ओहो मैंने तो पहले किया ही नहीं, मैं कैसे कर पाऊंगा, सिलेबस बहुत ज़्यादा मैंने कर ही नहीं पाऊंगा। इस तरह के बड़े सारे क्वेश्चन जो हमारे मन के अंदर हैं वो हमारी कन्फ्यूजन है। लीव एवरीथिंग, सब कुछ छोड़ दीजिए। हमने बहुत बार सुना है, बहुत बार पढ़ा है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ आपको अब यहां एक कुछ चीजें छोड़नी पड़ेंगी, आपको साइड बाय साइड जाना पड़ेगा। अगर साइड बाय साइड चले गए तो काम बनने वाला भी आपका। कंफ्यूजन मत रखिए माइंड में, क्लियर अपने माइंड को एकदम क्लियर कर दीजिए कि भाई मेरा इंटरेस्ट था, मैंने पढ़ना है, जो मर्जी हो जाए, दैट्स वन थिंग। मेरे सामने दीवार भी है, मैं दीवार तोड़ दूं, इतना कॉन्फिडेंस कर लीजिए अपने कि अगर मुझे अब इस टाइम पे आज के बाद दिन में एक दिन में 4 से 6 घंटे 6 से 8 घंटे पढ़ना पड़े, मैं पढ़ूंगा भाई। इस इमेज से जाइए, इस माइंड से जाइए, कन्फ्यूजन खत्म कर दीजिए। कोई बात नहीं, स्ट्रेटजी मैं बताऊंगा, आम देयर स्ट्रेटजी मेरी तरफ से आएगी, मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा किस तरह से कौन सा सब्जेक्ट कवर करें, आम देयर फॉर यू। अगर मैंने इस वीडियो के द्वारा अगर आपके अंदर इंटरेस्ट जगाया तो मैं आपकी हेल्प करूंगा कि आपके माइंड के जो कन्फ्यूजन है उसको दूर कर सकूं। लेकिन उसके लिए कुछ टिप्स आपको पिक करने पड़े। नंबर 1, सबसे पहले टिप नोट करिए, टिप ये है कि आपको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, काम तो भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्यों, जब तक हम कोई काम नहीं करेंगे तब तक हमारा काम बनेगा नहीं। सोच विचार करने से कुछ नहीं होना, प्लान्स बना लिए, ये कर लिया, टाइम टेबल बना लिया, कुछ नहीं होना। अच्छी बात है टाइम से बनाइए, प्लानिंग करिए, बहुत बढ़िया है। विदाउट प्लानिंग ए पर्सन इज ब्लाइंड, प्लानिंग बहुत जरूरी है, टाइम टेबल बनाना बहुत जरूरी है, बट वो टाइम टेबल आपका तब तक काम नहीं करेगा जब तक आप उसको एक्शन में कन्वर्ट नहीं करोगे। और टाइम टेबल जब भी बनाए, जब भी माइंड में क्रिएट करें तो उसको कल के लिए मत शुरू करें, उसको आज और अभी शुरू करने की कोशिश करें। जब भी टाइम टेबल बनाए उसको आधे घंटे के बाद इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो पहला टाइम टेबल का जो स्टेप है वो सक्सेसफुल होगा आपका। अगर आपने सोचा कि मैं कल से स्टार्ट कर लूंगा तो टाइम टेबल गया आपका, संडे को मंडे को शुरू करो, टाइम टेबल खत्म, वो पहले दिन आप जरूर, मतलब आपने फर्स्ट स्टेप भी गलत ले लिया हो। उस टाइम टेबल को आज और अभी से इंप्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए, और कोशिश कीजिए कि जब आपने वीडियो सुना है उसके बाद से आप काम करना शुरू कर दीजिए, मतलब उसी डेट पे उसी टाइम पे कुछ ना कुछ कर, चाहे वो आधा घंटा ही पड़ी, पर कुछ ना कुछ करके उठिए सबसे पहले, कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा भाई। नेक्स्ट नंबर 2, सभी सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, 5 सब्जेक्ट सभी के पास है, इन 5 के 5 सब्जेक्ट्स पे फोकस करना पड़ेगा तो ही बात बनने वाली है। 2 सब्जेक्ट्स में 90, 3 सब्जेक्ट में फेल, टोटली इक्वल्स टू फेल, याद रखिए बात। 4 सब्जेक्ट में 80, 85, 70 ले लिया, 1 सब्जेक्ट में रीअपेयर आ गया, मतलब आप फेल ही कराओगे, आप पास नहीं हो, इस बात को भी याद रखिए। 5 सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। पर सर ये तो मुश्किल है, आप 1 सब्जेक्ट से शुरू कर प्रोजेक्ट 5 में कर रहे हो, गाड़ी आस्था चलती पहले गियर में दूसरी गियर में, मानता हूं पहाड़ी इसमें चलती है, कोई इसमें दो राय नहीं है, पर टाइम नहीं है ना, अब गाड़ी थोड़ी दौड़ानी पड़ेगी, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, पहले गियर से डाल के फटाफट गाड़ी को 5वें गियर में भी जाना पड़ेगा तो ही काम बनने वाला आपके लिए, अदरवाइज काम नहीं है। तो क्या करना है, सभी सब्जेक्ट्स को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है, बट 2 सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट ऐसा पिक कर लो जिसमें आपका इंटरेस्ट था और आपने पीछे भी कुछ पढ़ा होगा, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा बहुत ना पीछे भी पढ़ा होगा, मैं आज ही नहीं कह रहा कि बच्चे जीरो है, नहीं, कुछ ना कुछ पीछे भी पढ़ा, उसको सिर्फ कवर करना, वापस लेकर आना उसको, बस इतना काम करना आपको। तो एक आधा सब्जेक्ट जो पहले इंटरेस्टिंग है उसको तो साथ रखना रखना भाई, लेकिन पॉइंट है कि सभी को कॉपरेट करना है, सभी सब्जेक्ट को साथ लेकर आना, ये कुछ थिंग्स आपको अपने डेवलप करनी पड़ेंगे अंदर।
और क्रिएटिव करना पड़ेगा, किसी कॉपी मत करो, मेरा फ्रेंड क्या कर रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। एवरी पर्सन हैज हिज ओन माइंड, हर व्यक्ति का अपना दिमाग, अपना तरीका काम करने का, वो आपका अपना तरीका, किसी का तरीका नहीं। किसी को कॉपी मत करो, म्यूजिक भी कॉपी मत करो, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसा मत करो। आप मेरी वीडियो को सुनने के बाद, एनालिसिस करने के बाद अपने माइंड से करो, जो आपको करना है जो करना अपने माइंड से करो, कोई इशू नहीं है। द पॉइंट क्या बोल रहा हूँ, क्रिएटिव बनो, कुछ अलग से करके जाओ। जो आप सोच सकते हो वो कोई नहीं और नहीं सोच सकता, जो आप कर सकते हो वो कोई और नहीं कर सकता, इस चीज को फीलिंग लेके आओ। लोग क्या बोल रहे हैं, मेरा फ्रेंड क्या बोल रहा है, मेरा टीचर क्या बोल रहे हैं, अलग बात छोड़ दीजिए, एक मिनट के लिए सेपरेट कर लीजिए, अपनी स्ट्रेटजी बनाओ अपनी। एक प्लेयर अगर कोच की सुनता रहेगा ना कि कोच ने कहा ऐसे बैटिंग करने, ऐसे बैटिंग, कुछ नहीं कर पाएगा वो। जब तक वो अपना जो है अपनी मतलब अपना टैलेंट नहीं दिखाया तब तक कुछ नहीं है। बहुत टैलेंटेड आप सब लोग, बहुत टैलेंटेड है, सिर्फ हमने अपने टैलेंट को वेस्ट करके रखा हुआ है। हम जैसा टैलेंट किसी के अंदर नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम है ना तो हम कभी टैलेंट को पहचान पाते हैं, अगर पहचान भी लिया तो हम उसको करते ही नहीं है, घबराते ही नहीं हो सके। हम सब लोग मास्टर है, मास्टर सब में एक अपना एक टैलेंट है, अपनी कला है, अपना एक आर्ट है, सबके अंदर एक सब में एक सिस्टम है, जबरदस्त वाली तकनीक है, उस तकनीक को पकड़ो। यार ये मेरे अंदर एफिशिएंसी है, ये मेरा स्टेप, ये मतलब ये मेरे स्ट्रेंथ है, उसको पहचानो, उस पर फोकस करो। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और मेन पॉइंट जो है कि आप किसी चीज के खिलाफ मत जाओ, किसी के खिलाफ लेके जाना पड़ेगा आपको, कुछ सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी भाई, कुछ तो सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा, बिना सैक्रिफाइस काम नहीं बनेगा। जितने भी महान लोग हुए हैं, जितने भी लोग आज तक मोटिवेटेड हुए हैं, सक्सेसफुल हुए हैं, उन सब ने कुछ कुछ खोया है, बहुत कुछ खोना पड़ा जिंदगी के अंदर। आपने तो अभी कुछ नहीं खोया, बहुत कुछ खोना पड़ता है। व्यक्ति जिंदगी के अंतिम क्षण से वापस निकल कर आए, मौत को सामने देखकर टकरा के वापस निकल के आए लोग, ऐसे ऐसे लोग, वही लोग मोटिवेशन हुए। मर के लोग जिए हैं, वही तो जिंदगी में सफलता हासिल करें। बड़े सारे एग्जाम्पल हैं, जितने मर्जी जिस भी सक्सेसफुल व्यक्ति की आप उठा लीजिए, पहला सबसे पहले याद रखिए उस व्यक्ति ने इतनी ठोकर खाई होगी, पूछो मत, तभी जाकर सफल बना। बिना ठोकर खाए हुए सफलता किसी ने हासिल की ही नहीं है। स्टार्टिंग के डेज में आपको बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है, बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली। एक व्यक्ति जब यूट्यूब चैनल अपना स्टार्ट करता है तो उसको स्टार्टिंग में जीरो व्यूज सब्सक्राइबर्स होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता करते 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 सब्सक्राइबर बढ़ते हैं उसके। आपने भी जब अपनी फेसबुक आईडी बनाई होगी तब आपका एक फ्रेंड हुआ होगा और आज वही आप है जो आपके 500,000 फ्रेंड है आपका। इंस्टाग्राम से आपको फॉलो करने वालों के 2-3-4-10 लोग होंगे, स्टार्टिंग हुई होगी, बट एक टाइम आया जो आज आपके 1,000 फॉलोअर्स है, 1K फॉलोअर्स लेके चल रहे हैं आप लोग। हर चीज में वन स्टार्टिंग से शुरू होता है, टाइम लगता है, टाइम लगता है हर चीज को। एक बैट्समैन भी जब पहले बैटिंग करने आता है तो उसकी कोशिश रहती है पहले 0 रन से 1 रन खाता खुल जाए भाई, उसके अगली बार देखी जाएगी। ये चीज मैटर करती है। तो मैटर अभी क्या कर रहा है आपके लिए कि कुछ तो कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा भाई। आप मोबाइल छोड़ना पड़ेगा, पूरा नहीं छोड़ना है, क्लासेस ज्वाइन करनी, मैं ऑनलाइन क्लासेस के खिलाफ नहीं हूँ, ऑनलाइन क्लासेस जो है चलिए, ऑनलाइन वर्क अपना आ रहा जो करिए वो सारा काम करिए, बट अपना टाइम दीजिए, स्टडीज को टाइम दीजिए। स्टेट व्हाट्सएप के छोड़ दीजिए, एक सैक्रिफाइस करो कि भाई जब तक मेरे एग्जाम नहीं होंगे व्हाट्सएप स्टेटस नहीं लगाऊंगा। एक कमिटमेंट करो अपने आप से भाई। इंसान चाहे कुछ भी कर सकता है, इंसान चाहे कुछ भी कर सकता है। कमिटमेंट कर लो कि मैं व्हाट्सएप स्टेटस नहीं लगाऊंगा, कमिटमेंट कर लो कि मैं आज तक किसी आज के बाद अपने किसी का व्हाट्सएप चलाऊंगा। व्हाट्सएप चलाना जरूरी है आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टडेंट भाई बच्चे व्हाट्सएप टीचर्स भी सेंड करते हैं, बड़ा फ्रेंड सर्कल भी कर रहे हैं। मैं आज के बाद किसी का व्हाट्सएप स्टेटस नहीं देखूंगा जब तक मेरे एग्जाम ना हो जाए, जब तक मैं 2 चैप्टर कंप्लीट ना करूं, मैं आज व्हाट्सएप स्टेटस नहीं देखूंगा किसी। जिसको जो एडिक्टेड है, जिसका व्यक्ति जो चीज़ का एडिक्टेड है वो देखे। किसी को यूट्यूब की वीडियो देखना पसंद है, नए सिंगर्स के सॉन्ग सुनना पसंद है, मैं ये सॉन्ग नहीं सुनूंगा, आपका फेवरेट सॉन्ग छोड़ दो उसको, आपके अंदर तलब जागेगी, फिर आपको अपना टारगेट दिखाई देगा। यार मुझे टारगेट, अपना टारगेट रखो ना। कोई आपको देखो, पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, आपको गाइड कर सकते, बता मैं टीचर हूँ बता सकता हूँ कि ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, कुछ मैं भी नहीं कुछ कर सकता। पॉइंट सारा पॉइंट किस चीज़ का है, आपको ये दिमाग में बात लानी है कि भाई मसला ये है कि मैं किस तरह से काम कर सकता हूँ। जब इंसान को आपसे कोई जब कोई चीज दूर जाती है ना, तो इंसान टूटता है, तो इंसान टूट जाता है उसमें, तो उसके लिए अट्रैक्टिव है कि यार मुझे चीज़ अचीव करनी है। वो अचीव करने के लिए दम लगाते हो, वही इंटरेस्ट जो मैंने स्टार्टिंग में कहा, वही तो आपका इंटरेस्ट डेवलप होने वाला है। कोई चीज़ सेक्रीफाइस कर दीजिए,
कोई चीज सेक्रीफाइस कर दी तो आप सफलता हासिल कर लेंगे। इस चीज को फोकस करिए। जब आप ये सब चीजें सीख जाएंगे आप श्योरली आपके अंदर चेंज आएगा, बदलाव आएगा। और मेरा तो ये मानना है चेंजेस आर द लॉ ऑफ द नेचर। बदलना प्रकृति का नियम है। दुनिया बदलती है, दुनिया बदल जाती है, इंसान नहीं बदलते, समय बदलता है, समय बदल जाता है। इंसान तो इंसान रहता है ना, लेकिन जब हम दूसरे व्यक्ति से मिलते हैं कुछ देर बाद वो इंसान चेंज हो गया। वो इंसान तो फेस नो आंखें एक नाक उसको तो सेम रहा, सिर्फ उसकी फीलिंग चेंज हो जाती है आपके लिए। जब वो आपके प्रति क्या बोलना चाहता है, आपको क्या बोलना, उसका वे ऑफ टॉकिंग चेंज हो जाता है। इंसान टाइम बदलता है, समय बदलता है, सुबह है, शाम है, दिन है, रात है, सर्दी है, गर्मी है, हर चीज चेंज हो रही है, बदलाव। और जो बदलाव आपके साथ नहीं चलता है वो खत्म हो जाता है। गो विद द फ्लो, वही आपको करना पड़ेगा। मुझे होप सो कि आप सब लोगों को जो मैंने इस वीडियो में कहने की कोशिश की है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेरी बात समझ आई होगी और आप वापिस से ट्रैक पे आएंगे सब लोग। ये वीडियो किसी एक स्ट्रीम के लिए नहीं है, कॉमर्स साइंस 11 12th के बच्चों के लिए नहीं है, हर एक स्टूडेंट के लिए जो पढ़ाई कर रहा है, हर एक स्टूडेंट जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है उसके लिए वीडियो है कि बैक टू द वर्क भाई, वापस आ जाइए। और टाइम कम रह गया, आप अपने गोल्स को सीधा कर लीजिए। कॉलेज वाले बच्चे, उनका सेमेस्टर पास आने वाला है, 12th क्लास के एग्जाम्स पास आने, 11th के पास आने, 10th के एग्जाम पास आने वाले, हर एक बच्चे को अपने को वापस करना पड़ेगा। और अगर जो पेरेंट्स मेरे इस चैनल में कुछ हैं सब्सक्राइब किया, वो जब वीडियो देखेंगे तो उनको लगेगा कि हमारे बच्चे को हमें वापस लेकर आना चाहिए, हर एक व्यक्ति को वापस आना चाहिए, इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा। द अल्टीमेट पॉइंट इज इंटरेस्ट। और गोल को फोकस करो, फोकस गोल क्या है मेरा। और आज इस वीडियो के माध्यम से लास्ट में मैं क्लियर करता हूं कि मैं जितने भी कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उन सबके लिए, अगर मैंने इस वीडियो में ये बात स्टार्टिंग में कही थी कि मैं आपकी मदद करूंगा, आपके माइंड से वो कंफ्यूजन बाहर लेकर आऊंगा, मैं आज के बाद नेक्स्ट टाइम से रेगुलर टाइम पे मे बी रोज का एक वीडियो भी हो सकता है, दो दिन के बाद एक वीडियो पक्का पक्का प्रेजेंटली भेजने वाला हूं। अब मैं आपको बिजनेस स्टडीज, एंटरप्रेन्योरशिप और अकाउंट्स के कंटिन्यूस बेसिस पे वीडियोस आने वाली है। और 15th जैन के बाद हम एक फाउंडेशन 15 दिन का कोर्स स्टार्ट करेंगे जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू द अकाउंट्स बिजनेस डिस्कस किया जाएगा, पर डे डेली बेसिस किए जाएंगे, लाइव डिस्कशन किया जाएगा, टाइम दिया जाएगा, लाइव डिस्कशन होगा उस पर ऑन दैट वीडियो। होप सो कि आप सब लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। जितना जिन जिन को वीडियो अच्छा लगे ज़्यादा से लोगों को इसको फॉरवर्ड कीजिए ताकि जितने स्टूडेंट्स हमारे इस वीडियो को देने के बाद मोटिवेट हो सकें, जिनको बेनिफिट मिले उतना बढ़िया है, तो ही मेरे यहाँ वीडियो बनाने का बेनिफिट हो सकता है। जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए वीडियो है ही है, वो तो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है। जो सब्सक्राइबर नहीं भी है उनको भेजिए कि भाई देखिए वीडियो, शायद उनका भला हो जाए। अगर एक वीडियो करने से किसी का भला होता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट वीडियो तभी शेयर करिए अगर आपको सही लगती है। और आपको लगता नहीं सर ऐसे बोल दिया भाई, बोल के चलेगा साथ, फिर मत शेयर करिए, डिसलाइक मार दीजिए, खुद आप डिसलाइक मार दीजिए, कोई चलेगा मुझे वो भी चलेगा। मेरी कमी होगी तो मैं नेक्स्ट टाइम इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। मुझे इंटरेस्ट था वीडियो बनाने का, मैं इंटरेस्ट वीडियो बनाया, मुझे इंटरेस्ट था, अगर मेरा इंटरेस्ट नहीं तो वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं। तो बात सारी किस पे खत्म होती है, इंटरेस्ट पे। होप सो यू ऑल आर रियली एंजॉयिंग दिस लेक्चर। थैंक यू, हैव अ कीप वॉचिंग अवर चैनल।